बदायूं में एक थाना अध्यक्ष की कथित वीडियो काफी है पुलिस प्रशासन की फजीहत करवाने के लिए। आप तो देश की मतलबी समझ रहे हो, तो तुम्हारे पर डिपेंड है। ये दरोगा किस प्रकार कानून को खाने में तड़का लगाने की तरह इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं? शायद दरोगा जी ये भूल बैठे हैं कि वे एक जिम्मेदार पद पर आसीन हैं। और बड़े शर्म की बात है कि दरोगा जी किसी बेगुनाह को नौछावर लेकर उसे मारने पीटने की बात कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि वीडियो में उगैती थाना अध्यक्ष राकेश चौहान कहते दिख रहे हैं कि रिश्वत देकर किसी बेगुनाह को फंसाया जा सकता है, तो किसी की गर्दन कटवा कर किसी दूसरे पर भी लगाई जा सकती है। यह एक शर्मनाक बात है। मरीज तैयार तो हमें क्या, हम तो साला उसकी गर्दन दूसरी लगा दें, काट के दूसरे लगा देंगे। पुलिस प्रशासन में जहाँ इस प्रकार के भ्रष्ट दरोगा होंगे, तो वे क्या जिले और प्रदेशों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे? तो इनकी बात समझिए, मदद करिए। आप हम तो देसी घी में सब्जी छोड़ देंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। बारह साल को रात में छुपवा रहे हैं। तो व्यवस्था तुम्हें देखनी है ना, हम तो डालडा वाले हैं सर नली। अगर डाले के साथ देसी घी का तड़का लगे तो मंगवाओ देसी घी, अभी बैठाओ साल का ना लगे तो लग जाए। मैं तो देसी घी मंगा तो तड़का लगवा दे, ठीक है, मिल लेना तो वही ठीक है। क्या दिक्कत है हमें, क्या हमारे पास तो सब इसमें दवाई सरकारी अस्पताल वाली भी है, सरकारी वाली विटामिन की मिलेगी, बुखार की मिलेगी, पैरासीटामोल दे देते हैं, उसमें सारी सख्त दवाई होती है, वो बुखार भी हल्का कम कर देती है, दर्द भी कहीं हो रहा वो भी कम कर देगी, लेकिन फायदा मेन रोग का नहीं होगा। वो तो पहले मेन रोग के लिए पहले अल्ट्रासाउंड कराइए, अगर फिर में तो सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए, तो 7-8 हज़ार रुपये होता है, डॉक्टर पता लगता है ये वाली नस्ब रही है। सीटी स्कैन एमआरआई कराने की पड़ी तो करा लोगे? ठीक है, करा लेंगे सभी, तैयार है, ठीक है, सबरी वैसे हो जाए, इलाज हो जाए, करा लेंगे। मरीज तैयार तो हमें क्या, हम तो साले उसकी गर्दन दूसरी लगा दे, काट के दूसरे लगा देंगे, वो मंत्र जानते हैं, लेकिन सामने वाला तैयार भी तो हो, तैयार है तो ठीक हो जाएगा। घर में तमाम दवाइयाँ, अवैध तमंचे, अवैध शराब, अवैध अफीम, अवैध अवैध चरस सब है, कोई नहीं मानता, वो दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो समाज को परेशान कर रहा है तो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट है। दरोगा जी की वीडियो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दरोगा जी ने वर्दी ही बिकने के लिए पहनी है।